Let me also get you some big breaking news which is coming in right now, and this is going to be an interesting one. There's still suspense being built over Brij Bhushan's seat, whether Brij Bhushan's candidature is going to be on hold or not. We are still awaiting for a mention on that. There is no mention in the first list as well. That is the big breaking news that we are getting for you. Brij Bhushan may not be given a ticket. Let me go across to Vinod Mishra. Kya ko sunne mein mila hai Vinod ji about Brij Bhushan Saran and the controversy that he kicked up WFI ke president ke jaise? जो मामले उनके खिलाफ अभी चल रहे हैं, पार्टी उसको लेके बहुत ही सेंसिटिव है और पार्टी को लगता है कि कहीं ऐसा ना हो कि उनका टिकट अनाउंसमेंट हो और उसके बाद एक खास तबके का विरोध आया। हमने देखा किस तरह से जो रेसलर्स थे वो उनके उनके खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे थे, खासतौर पर एक जो जाट समाज था वो उनके साथ आ गया था, रेसलर के साथ। तो ऐसी कंडीशन इलेक्शन में न आए और इसका सामना पार्टी को ना करना पड़े, इसीलिए पार्टी ने अभी उनके टिकट को एक तरह से होल्ड पर रखा हुआ है, उस पर सस्पेंस है, क्योंकि पार्टी ये चाहती है कि ब्रिज भूषण के बदले उनके बेटे जो विधायक बेटे हैं प्रतीक भूषण, उनको टिकट दिया जाए। प्रतीक अभी उत्तर प्रदेश सरकार में योगी मंत्रिमंडल में योगी सरकार में विधायक है और पार्टी चाहती है कि उनकी उनकी छवि जो है वो विधायक है, लिहाजा उनको टिकट दिया जा सकता है। हालांकि खबर जो सोर्सेज है वो ये भी कह रहे हैं कि ब्रिजभूषण चाहते हैं कि उनके बेटे जो करण है, छोटे बेटे करण भूषण, उनको टिकट दिया जाए। अगर उनको टिकट अगर ब्रिजभूषण को टिकट नहीं दिया जाता है तो फिर उनके छोटे बेटे करण को टिकट दिया जाए। हालांकि पार्टी अभी प्रतीक भूषण को लेकर जरूर तैयार दिख रही है, लेकिन उत्तर प्रदेश से जो लिस्ट गई है तीन नामों की, उसमें ब्रिजभूषण का नाम गया है उत्तर प्रदेश से, लेकिन अभी तक इस पर फैसला नहीं हुआ। इसीलिए कहा जा रहा है कि जो फर्स्ट लिस्ट आ रही है शायद उसमें उसमें ब्रिजभूषण सिंह का नाम ना हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात आपने बोली कि उत्तर प्रदेश की लिस्ट में तो है, मगर हाई कमांड ब्रिजभूषण जी को टिकट देंगे कि नहीं इस पे सस्पेंस बनाए। बट यू मस्ट एक्सप्लेन टू आवर व्यूअर्स विनोद जी कि ब्रिजभूषण जी इतने इंपॉर्टेंट क्या क्यों है, इतना स्वे कौन से असेंबली सीट्स और कौन से लोकसभा सीट्स पे है, विच इज व्हाई द बीजेपी इज बीइंग कंपेल्ड टू रिविजिट देयर डिसीजन ऑन ब्रिजभूषण सिंह। एक्चुअली पूर्वांचल का जो गोंडा क्षेत्र है, कैसरगंज विधान लोकसभा है इनकी, लेकिन ब्रिजभूषण के बारे में कहा जाता है, जो उनके लोग भी दावा करते हैं। प्राइम मिनिस्टर मोदी स्पीकिंग, लेट्स लिसन इन।